Hi guys, welcome to my channel. This seems beautiful life and vlogging. So, आज मैं अपना डिनर बना रही हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ. तो मैं बना के आ रही हूँ, मैं थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ ताकि मुझे एक ही डिश में सारा काम हो जाए. तो मैं एक मिक्स दलिया बना रही हूँ जिसमें मैं वेजेस भी डालूंगी, जिसमें फाइबर्स भी है, उसमें बहुत कुछ है और साथ में उसमें पल्सेस भी हैं. तो दलिया जो कि मैंने 1 कप लिया हुआ है, मैं जब तक इसका हीट ऑन कर देती हूँ ताकि मैं फैन ऑफ कर दूँ. तो अभी करना क्या है, ये दलिया है, ये प्याज है जो मैंने छोटे मीडियम साइज के या एक बड़ा साइज का प्याज है, ये कुछ मसाले हैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, ये है जीरा, क्यूमिन समूचा वाला होल जीरा, और ये है कोरिएंडर पाउडर. तो मुझे बस इतने मसाले चाहिए और मैंने दालों में लिया है. मैं अपने उधर ये जरा जला दूं, ये कुछ दालें हैं, ये चने की दाल है, ये मसूर की दाल है, ये मूंग की दाल है, ये उड़द की दाल है और ये राइस है. तो ये मैंने 5 चीजें ली हैं और ये ज्यादा नहीं है, 1 टेबल स्पून है. और सब्जियों में मैंने लिया हुआ है बीन्स, पटेटो, टमेटो, कोरिएंडर, पीज, ये कुछ लाल मिर्चें हैं, कुछ ग्रीन चिलीज हैं और कुछ ये मेरे पास इसको क्या बोलते हैं आप, करी लीव्स, ये करी लीव्स हैं. तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ. तो सबसे पहले मैं करूंगी क्या, सबसे पहले मुझे जो मेरा दलिया है उसे मुझे रोस्ट करना है. तो मैं उसे डाल दूंगी, 1 कप दलिया था तो मुझे उसे रोस्ट करना है. मैं साथ ही साथ थोड़ा वॉश भी करती जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा. और हाँ, एक चीज और है, मैंने कुछ जिंजर और 4-5 क्लोव्स जो है वो गार्लिक के लिए रखे हैं तो उसको मैं क्रश्ड करके डालूंगी. तो अभी मेरा ये तेल जो है ना, अभी इसको टाइम लगेगा जब तक मैं इसे रोस्ट करती हूँ. ये रोस्ट होता रहेगा तब तक मैं इसे क्रश कर लेती हूँ. अभी मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के रख दूंगी ताकि ये सोक हो जाए जितनी भी देर भी होगा. ये बहुत जल्दी बन जाती है डिश, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको लग रहा होगा बड़ा तान था में. हाँ, प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा 20-30 मिनट्स लग जाते हैं क्योंकि आपको सारी वेजिटेबल्स को वॉश करके काटना होता है, बाकी ये बहुत जल्दी हो जाता है. मेरा ऑयल अभी भी हुआ नहीं है तो आई एम वेटिंग कि वो हो जाए. और मैं क्या करूंगी, एक्चुअली मैं मुझे ये फ्राई करना है तो फ्राई करने के बाद मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूंगी, थोड़ी सी अनियन, वो फ्राइड अनियन निकाल लूंगी, मुझे ऊपर से बाद में गार्निशिंग करना है. मेरा ऑयल गर्म हो चुका था. जैसे मैंने आपको बोला कि मैं थोड़ा सा प्याज को तलते वक्त सॉल्ट डालती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सॉल्ट रखा है. तो थोड़ा प्याज, थोड़ा सॉल्ट मैं इसमें डाल दूंगी ताकि जो अनियन का कलर है वो बहुत प्यारा सा सूख हो जाए. ऐसा हो गया है तो अभी थोड़ा सा और चलेगा. प्याज
मेरा दलिया भी हो गया है, मेरी प्याज भी हो गई है, मैंने इसको थोड़ी सी निकाल भी लिया। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत सा आया है। अभी मैं इसमें ना ये जो जीरा है इसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ और ये जीरा ऐड करती हूँ। इसके बाद जो मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट किया था ये थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी। और इसे भून लेंगे। थोड़ा सा मैं ऐसे करके इसे निकाल लूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वैसे पसंद है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसमें सारी सब्जियां ऐड करूंगी और ये भी डालना है मुझे नीम की पत्ती पहले और उसको भी फ्राई करना है। थोड़ा भी नीम की पहले उसको डालना है। धनिया कोरिएंडर हम सबसे लास्ट में डालेंगे। पीस आलू टमाटोज और ये मिर्च बाद हम अपने सारे मसाले डाल देंगे इसमें। मैंने अपने सारे मसाले इसमें कर दिए और इसे भूनना है क्योंकि हल्दी का कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा आप इसको तेज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा, ताकि मसाला जो आपने डाला है वो ना हो और टमाटर को थोड़ा गलने दे रहे हैं। थोड़ा तेल सब डाल देंगे इसमें और ये दलिया भी। कम से कम आपको इतना पानी डालना है कि वो गल जाए सारी जो आपने सब्जियां डाली हैं, क्योंकि इसको पानी लगता है तो कम से कम 3 कप्स तो पानी डालना ही पड़ेगा आपको, 3 to 4 कप्स, क्योंकि इसमें दलिया भी है और बाकी दालें भी हैं तो टेक्स टाइम। तो ये तो मेरा हो गया कंप्लीट है और इसमें किसी किसी को बहुत सूखा पसंद होता है ड्राई, मुझे थोड़ा सा वैसा पसंद है लिक्विडी, तो मैं इसको थोड़ा ना लिक्विड बनाऊंगी। तो फिर इसको सीटी आने देते हैं। वो तो मैंने रखी लिया है प्याज जो मैं लास्ट में यूज करूंगी। तो अभी मैं इसको प्रेशर कुकर प्रेशर लगा देती हूँ एटलीस्ट मिनिमम 3 के लिए। तो करना क्या होगा, पहली जो सीटी आएगी वो फुल फ्लेम पे होगी, उसके बाद की जो सीटियां होंगी उसको हम मीडियम फ्लेम में 2 बार सीटियां देंगे, उसके बाद उसको एकदम लो पे 5 मिनट या 10 मिनट रख के 5 to 10 मिनट्स के बाद हम उसको बंद कर देंगे। तो मिलते हैं हम आपसे फिर एटलीस्ट
15 मिनट बाद। हेलो गाइस, ये मेरा बंद हो चुका है, ये मेरी डिश बनके रेडी हो चुकी है और ये कुछ ऐसी दिख रही है। बहुत गर्म है, आप देख रहे हैं किस तरह से ये हो रही है। तो अभी मैं इसको सर्व करती हूँ, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देती हूँ, ये थोड़ी धनिया और थोड़ा मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसको सॉलिड भी बना सकते हैं, तो पानी आप कम डालिएगा, मुझे ये थोड़ा लिक्विडी सा पसंद है इसलिए मैं इसमें पानी ज्यादा ऐड करती हूँ। तो ये बन गया मेरा की। डिश तो मैं इसको गार्निश करती हूँ। तो देखिए मेरी डिश बन के तैयार हो गई है और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी लगती है। मुझे थोड़ा इसकी पिक लेनी है इसलिए मैं इससे निकाल रही हूँ। तो मैं अभी इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा है। बहुत गर्म है एक्चुअली, इट्स वेरी हॉट। इट्स वेरी यम्मी। इट्स टू हॉट। तो अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई, अच्छी लगी और दिस इज वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस डिश को बहुत सारे लाइक्स दीजिए और आप लोग अपने घर पे बनाइए। और कैसी बनती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग को ये डिश कैसी लगी। तो अगर आपको ऐसी चटपटी मजेदार विद हेल्दी डिश अगर आपको चाहिए और ज्यादा, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मैं और भी डिशेस आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं ऐड करिए और इस डिश को ट्राई करिए। बाय बाय।